भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने हॉस्टल में घुसकर दलित छात्र के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुलपति आवास का घेराव किया। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश एनएसयूआई ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रात करीब 12 बजे मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठन का यह प्रदर्शन देर रात करीब 2 बजे तक चलता रहा। एनएसयूआई कार्यकर्ता रवि परमार ने बताया कि एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय के जवाहर हॉस्टल में दलित छात्रों से मारपीट का विरोध दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि कुलपति ने सुरक्षा एजेंसी का ठेका खत्म होने के बाद भी नई एजेंसी को काम नहीं दिया और तौर पुरानी कंपनी के गार्ड्स ही अब तक ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी लापरवाही का नतीजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कल देर रात बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में दो पुलिसकर्मियों द्वारा घुसकर छात्र छात्राओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। वहीं छात्र छात्राओं से 5,000 रुपए की पुलिसकर्मियों ने मांग की थी। पैसे ना देने पर पुलिसकर्मियों द्वारा छात्र छात्राओं से मारपीट की गई। आखिर उस समय बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का सुरक्षा कर्मी और जो सुरक्षा एजेंसी वो क्या कर रही थी? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय बिना किसी अनुमति के पुलिस प्रशासन कैसे घुसकर छात्र छात्राओं के साथ मारपीट कर रहा है? यहाँ बहुत निंदनीय है। छात्र छात्राओं के साथ जो दलित छात्र छात्रा थे उनके साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वहीं जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट किया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। कल देर रात हमने कुलपति कार्यालय और कुलपति के निवास के बाहर प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर हमने कुलपति और रजिस्ट्रार के निवास के बाहर प्रदर्शन किया था और हम लगातार प्रदर्शन करेंगे जब तक कि पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं बरकतुल्ला प्रशासन द्वारा सुरक्षा एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसी है उसका कई महीने पहले टेंडर रद्द हो चुका है, उसके बावजूद वहां कार्य कर रही है। वही नहीं, सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मी अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। इसके कारण जो पुलिसकर्मी है बाहर से घुसकर छात्र छात्राओं के साथ मारपीट कर ऐसी घटनाएं घटित करते हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। हम मांग करते हैं कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय तत्काल एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी को वहां से हटाए और दूसरी एजेंसी को टेंडर दे। हम मांग करते हैं कि जो छात्र छात्राओं की घटना हुई है उसको लेकर कुलपति तत्काल संज्ञान। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह दो छात्र समूहों में मामूली विवाद हो गया था, इसके बाद छात्र थाने पहुंच गए थे। इसी मामले को लेकर देर रात शराब पीकर पुलिसकर्मी हॉस्टल में घुसे और उन्होंने समझौता कराने के नाम पर 5,000 रुपए मांगे। छात्रों ने जब रुपए देने से इनकार कर दिया तब पुलिसकर्मी उन्हें पीटने लगे। वहीं मामले में अब छात्रों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।